नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर चैनल मॉक्स में, क्रिप्टो न्यूज में। आज सबसे पहले अदानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर 20% से ज़्यादा की गिरावट हुई है सिर्फ एक ही दिन के अंदर। वैसे तो ये न्यूज़ स्टॉक मार्केट के रिलेटेड है, लेकिन क्रिप्टो न्यूज में इसको शामिल करने का मेरा उद्देश्य ये है कि जो पिछला पार्लियामेंट्री सेशन हुआ था उसके अंदर क्रिप्टो के ऊपर टैक्स थोपे गए थे और उसमें बहुत ही बड़ी बात बोली गई थी कि क्रिप्टो जो है, क्रिप्टो की ट्रेडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है और इसलिए इसके अंदर ट्रेडिंग करना जोखिम भरा है। तो ऐसे में लोग इसके ऊपर ट्रेडिंग ना करें, इसके अंदर इन्वेस्ट ना करें, इसीलिए इसके ऊपर टैक्स थोपे गए थे और क्रिप्टो ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स को कहीं से भी राहत नहीं दी थी। तो ऐसे में आज हमारा सवाल ये है कि अगर क्रिप्टो ही इतना ज़्यादा वॉलेटाइल है तो स्टॉक मार्केट के अंदर अगर एक दिन के अंदर पूरा एक कंपनीज का ग्रुप, जिसकी मैं बात करूँ तो अदानी ग्रुप, इसके जितने भी शेयर्स हैं सबके अंदर लोअर सर्किट लगी हुई है या 20% से ज़्यादा का वहाँ पर क्रैश देखा गया है सिर्फ एक दिन के अंदर। तो अभी सवाल ये उठता है कि क्या क्रिप्टो ही वॉलेटाइल है, स्टॉक मार्केट भी यहाँ पर वॉलेटाइल है? जिसके पीछे मार्केट शब्द लग जाता है वो सबकी सब वॉलेटाइल होती है, क्योंकि वहाँ पर ट्रेडिंग होती है और ट्रेडिंग होगा तो वॉलेटाइल होगा। कब जाके कब वो बुरी न्यूज़ आ जाती है या अच्छी न्यूज़ आती है तो उसके ऊपर ही मार्केट रिएक्ट करता है, चाहे क्रिप्टो हो चाहे स्टॉक हो। तो मामला समझते हैं पहले कि अदानी ग्रुप का क्या हुआ था। यूएस की एक सर्वे कंपनी है, उन्होंने एनालिसिस किया था कि पिछले 2 साल के अंदर, जब से कोविड था तब से लेके अदानी ग्रुप के सभी कंपनीज के शेयरों के अंदर इतनी ज़्यादा ग्रोथ क्यों हुई है। तो उन्होंने सर्वे के अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स उन्होंने दिए हुए हैं और जाहिर सी बात है कि वो पॉइंट भी वैलिड है उनके, और अदानी ग्रुप ने उसके सामने अभी तक तो कोई रिप्लाई नहीं दिया है। हालांकि अदानी ग्रुप ने उस सर्वे कंपनी के ऊपर, जिसका नाम है हिंडनबर्ग, और उसके ऊपर उन्होंने एक्शन लेने की बात की है, लेकिन जो हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप के ऊपर जो एलिगेशन लगाए हुए हैं उसका अदानी ग्रुप ने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया हुआ है। कि मार्केट जो होता है वो क्लैरिफिकेशन के ऊपर चलता है, एक फ्यूचर व्यू के ऊपर चलता है, और हिंडनबर्ग सर्वे के मुताबिक जो बोला गया था कि अदानी ग्रुप ने अपने शेयर्स की प्राइस में बढ़ोतरी करने के लिए मैनिपुलेशन किया है, जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर एक क्राइम है। तो आप अपनी ही कंपनी के शेयर्स के अंदर कोई ऐसी चीज़ करके उसको ग्रोथ नहीं कर सकते। अगर नेचुरली हो रहा है, लोग बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ऐसे में हो रहा है तो अच्छी बात है, बट आप ऐसे नहीं कर सकते। उसको मैनिपुलेट करने के बाद में कंपनी का शेयर की प्राइस बढ़ा दो और आपका एसेट बढ़ जाए, फिर आप अपने शेयर्स जो है वो बेच दो और बड़ा मुनाफा कमाओ, तो ये चीज़ होती है मैनिपुलेशन। तो ऐसा अदानी ग्रुप ने किया है, ऐसा एलिगेशन हिंडनबर्ग सर्वे की रिपोर्ट के अंदर है। उन्होंने काफ़ी सारे एलिगेशन लगाए हुए हैं तो वो सबका रिप्लाई अदानी ग्रुप ने अभी देना है। अदानी ग्रुप को इनवाइट किया है कि आप यूएस में आए और हमारे जो एलिगेशन है उसको कोर्ट के अंदर आप प्रूव करें कि आपने ऐसा नहीं किया है। तो जो हिंडनबर्ग ने जो सर्वे की रिपोर्ट दी है उसके अंदर क्लैरिफिकेशन ज़्यादा है और अदानी ग्रुप के रिप्लाई के अंदर दम नहीं है, तो इसके कारण ये सभी शेयर जो है वो 20% से ज़्यादा गिरे हैं और लोअर सर्किट लगी है पूरे अदानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर। तो बिटकॉइन अगर 60,000 से सीधा 18,000-17,000 डॉलर तक आ सकता है, तो ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं अदानी पोर्ट, अदानी पावर, अदानी एंटरप्राइज, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी टोटल गैस लिमिटेड और एक विलमर करके भी कंपनी है अदानी की, तो सभी के सभी शेयर्स के अंदर तकरीबन 20% या फिर उसकी लोअर सर्किट है वहाँ तक शेयर पहुँच गया है सिर्फ एक दिन के अंदर। तो इतनी बड़ी गिरावट मेरे ख्याल से ये पिछले 2-3 साल के अंदर आज पहली बार हुई है, जब से कोरोना खत्म हुआ उसके बाद से। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जिन जिन कंपनियों ने इस ग्रुप के अंदर इन्वेस्ट किया था उनके शेयर्स भी डाउन है, उनकी वेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट हुआ है। जैसे कि ICICI बैंक ने अदानी ग्रुप के अंदर इन्वेस्ट किया था तो उनके शेयर्स भी डाउन है, SBI ने भी अदानी ग्रुप को लोन दिया हुआ है उसके शेयर्स भी डाउन है, LIC उसके भी डाउन है। तो जिन जिन लोगों ने, जिन जिन कंपनीज ने अदानी ग्रुप के अंदर इन्वेस्ट किया था वो सब के सब आज बुरे वक्त से गुजर रहे अपनी शेयर प्राइस को लेकर। तो कहने का मतलब इतना ही है कि क्रिप्टो अकेला वॉलेटाइल नहीं है, स्टॉक मार्केट के अंदर भी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये इसका एक जीता जागता उदाहरण है। अगली न्यूज़ सीवाई न्यूज़ से है कि वियतनाम के अंदर वो अभी एक्सेप्ट हो रहा है, कहाँ पर?
टॉप वाटर स्पॉट्स डेस्टिनेशन के अंदर। तो अगर आप वियतनाम में टूर के लिए जा रहे हो, पिकनिक के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पर अगर आप कोई भी वाटर स्पॉट्स डेस्टिनेशन के ऊपर जा रहे हो, वहाँ पर आपने सिबायू से किसी भी स्पॉट्स एक्टिविटीज़ के अंदर हिस्सा लेना है, तो आप सिबायू से वो काम कर सकते हैं। तो वहाँ पर सिबायू अभी एक्सेप्ट हो रहे हैं। अमेजॉन 2023 के पहले क्वार्टर के अंदर एनएफटीज के अंदर इनिशिएटिव लेने जा रहा है, एनएफटीज लॉन्च करने जा रहा है, और वो भी ब्लॉकचेन के ऊपर निर्धारित होगा। तो ये काम 2023 के अंदर हमें देखने को मिल सकता है अमेजॉन की तरफ से। काफ़ी दिनों पहले एक न्यूज़ आई थी कि वजीरेक्स जो है वो बाइनेंस का ही एक हिस्सा है, और ऐसा वजीरेक्स का कहना था। लेकिन उसके बाद में बाइनेंस के सीईओ सीजेड का ट्वीट आया था कि हमें कोई किसी भी प्रकार की कोई डील वजीरेक्स के साथ में नहीं किया, हम सिर्फ उसको वॉलेट शेयर करते हैं। तो ऐसे में अभी ये मामला है वो सुलझा हुआ नज़र नहीं आ रहा है, अभी भी इसके अंदर कन्फ्यूज़न है। और इस न्यूज़ के बाद में लगातार वजीरेक्स के यूजर्स के अंदर कमी आई है। तो क्रिप्टो जगत की न्यूज़ के अंदर इतना ही। अभी चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। जैसे कि कल हमने बताया था, कल हम इस लोकेशन के ऊपर थे और हमने बोला था कि जब तक इस ट्रेंड लाइन जो हमने कल नई ड्रॉ किया था उसके ऊपर बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है, तब तक बिटकॉइन के अंदर एक अच्छी रैली की उम्मीद है और आगे एक अच्छा पंप मिल सकता है। और अगर बिटकॉइन इस ट्रेंड लाइन के नीचे की तरफ स्लिप करता है तो वहां से हमें एक डिक्लाइन मिल सकता है। अभी तक बिटकॉइन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, अभी 23,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि अभी वो साइडवेज है, तो साइडवेज जब होता है तो बाकी ऑर्ड्स के अंदर थोड़ी सी गिरावट आती है। कुछ चुनिंदा कॉइन को छोड़ के बाकी जितने भी कॉइन हैं उसके अंदर तकरीबन तकरीबन फ्लैट के अंदर कारोबार हो रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर बिटकॉइन ने 23,000 के नीचे का लेवल अभी तक टेस्ट नहीं किया है। तो ऐसे में बिटकॉइन के अंदर एक अच्छी मजबूती है, और बिटकॉइन के 20 डे मार्क के अंदर भी ग्रोथ हुआ है। तो ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि यहाँ से एक छोटी गिरावट और उसके बाद एक बड़ा पंप आने की उम्मीद है। और ये पंप जो है वो हमें 24,000 के ऊपर का मिल सकता है, क्योंकि पिछला जो हाई बना था पिछले 2 दिन का, तो वो 23,815 का बना था। तो इसके ऊपर ये उसे ब्रेक करके 24,000 के लेवल को पार करते हुए बिटकॉइन ऊपर की तरफ एक बड़ा पंप ले सकता है छोटी सी गिरावट के बाद। क्योंकि फिलहाल अभी कोई भी ऐसा ग्लोबली इवेंट नहीं है, हर तरफ थोड़ी पॉजिटिविटी है, तो ऐसे में हम ये मान के चल सकते हैं कि सब कुछ अच्छा रहा तो ये पंप हमें देखने को मिल सकता है। तो क्रिप्टो न्यूज में इतना ही, लेकिन जाते जाते एक कॉइन को मैं आपको बता के जा रहा हूँ कि इस कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। हालांकि मैंने ये कॉइन पहले भी कवर किया हुआ है, लेकिन आज इसके बारे में दोबारा मैं बता देता हूँ। इसका नाम है नेबिलियो कॉइन, NBL, और इसका एंट्री आपने जो लेना है वो BTC की पेयर के अंदर लेना है। और क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप अगर इसका प्रीवियस चार्ट देखेंगे तो ऐसा चार्ट मेरे ख्याल से क्रिप्टो के किसी भी कॉइन के अंदर आपको नजर नहीं आएगा कि इसने, अगर मैं चार्ट को 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर लगाऊं तो आप देखेंगे कि 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर इसने पक्का 1,000 सतोशी का पंप लिया है। अगर आप BTC की पेयर के अंदर ट्रेड करते हो तो प्रीवियस चार्ट आप देख लीजिए एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पंप और डंप वाला कॉइन है। पंप होता है, फिर वापस से अपने इनिशियल प्राइस के ऊपर आता है, फिर से एक पंप लेता है। तो आप खुद भी इस कॉइन की एनालिसिस कर सकते हैं कि जब भी पंप होता है तब वॉल्यूम बहुत ही हाई वॉल्यूम के साथ में पंप लेता है, फिर से वापस से 1-2 दिन के अंदर वापस से वो अपने इनिशियल पोजीशन के ऊपर आ जाता है। पिछले 3 महीने के अंदर इसने 25 बार पंप लिया हुआ है। तो सिर्फ 2 करोड़ ही कॉइन मार्केट में सर्कुलेट है और सिर्फ 14 पेयर सी इसकी है, और आपने जो ट्रेड करना है सिर्फ और सिर्फ हाई लिक्विडिटी वाले एक्सचेंज में ही ट्रेड करना है। तो बाइनेंस गेट डॉट आई ओ बिटगेट MEXC कॉइन DCX ये सिर्फ 5 ही एक्सचेंज के अंदर आपने इसको ट्रेड करना है। आप HitBTC या XT.com या ZT या SuperX इन सभी में इस कॉइन को अंदर हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि ये कम एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है, इसलिए इसके अंदर वॉल्यूम के अंदर अचानक से बढ़ोतरी होती है और अचानक से ये डाउन हो जाता है। तो जिन लोगों को वोलाटिलिटी और वॉल्यूम के साथ में ट्रेड करना है तो ये कॉइन उनके लिए बेस्ट रहता है। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।